आप सबको नमस्कार। इससे पहले हम लोग अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर चुके हैं और आज हम लोग आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात की थी, जैसा कि आपको याद होगा, हमने बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु O के ऊपर और नीचे दो क्षेत्रफल अनुपात लिए थे और उनके कारण हमने यहाँ P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात की थी। एज इट इज उसी प्रकार से हम लोग इसके चालक पट्टिका के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग वो दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि परत जो है अचालक परत है उसमें हम ये कर चुके हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें इसमें पट्टिका के निकट, ये पट्टिका के निकट है वह बिंदु, पट्टिका के निकट किसी बिंदु पर, बिंदु P है हमारा, पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जैसा हमने अचालक परत में किया था। प्रश्न उठता है कि परत और पट्टिका में अंतर क्या है, अचालक परत और चालक पट्टिका में अंतर क्या है, इन दोनों में मुख्य अंतर। अचालक परत जो है इसको जिस स्थान पर आवेश दिया जाएगा आवेश उसी स्थान पर ही रहेगा, अन्य स्थान पर आवेश नहीं जा पाएगा क्योंकि यह अचालक है। अचालक मतलब फिर हम इसमें आवेश गति नहीं कर सकते। तो जहां आवेश दिया जाएगा वहीं रहेगा, अन्य स्थान पर नहीं जाएगा, अन्य स्थान पर नहीं जाएगा, आवेश अन्य स्थान पर नहीं जा सकता। यह किसके संदर्भ में बात है, अचालक परत के संदर्भ में। हम लोग पढ़ रहे हैं चालक पट्टिका। तो चालक पट्टिका के लिए चालक पट्टिका को यदि आप आवेश ला करके देंगे तो आवेश चालक पट्टिका को यहां से आवेश दिया तो आवेश दोनों तरफ पट्टिका के दोनों तरफ समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां चालक पट्टिका को आवेश दिया जाए तो पट्टिका के आवेश दोनों ओर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये तो चालक पट्टिका और अचालक परत के अंदर मुख्य अंतर है। अब हम लोग चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। हमें दिया हुआ है कि चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, यह हमें दिया हुआ है कि पृष्ठ आवेश घनत्व जो है उसकी वैल्यू सिग्मा है और इस पट्टिका से एल दूरी पर कोई बिंदु पी है, पट्टिका से एल दूरी पर कोई बिंदु पी है। तो बिंदु पी पट्टिका से एल दूरी पर है और यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
इस बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब तक हमने पढ़ा है कि अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम गाउसिय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गाउसिय पृष्ठ बनाते हैं और फिर हम फ्लक्स ज्ञात करते हैं और उसी से ही तीव्रता निकलती है। तो हमें एस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल व एल लंबाई का बेलनाकार गाउसिय पृष्ठ, एल लंबाई का बेलनाकार गाउसिय पृष्ठ खींचते हैं। तो गाउसिय पृष्ठ हम बेलनाकार ही क्यों खींच रहे हैं? तो ये हमने पीछे पढ़ा है कि गाउसिय पृष्ठ के पास मुख्य दो विशेषताएं होनी चाहिए। एक इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, मैं लिख देता हूं, एक तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रहनी चाहिए और दूसरा गाउसिय पृष्ठ का जो भाग है या गाउसिय पृष्ठ वो तीव्रता के समांतर गाउसिय पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश तीव्रता के समांतर हो या फिर लंबवत हो। गाउसिय पृष्ठ पर लिया गया क्षेत्रफल सदिश तीव्रता की दिशा में हो या फिर उसके लंबवत हो, तो ऐसा करने से फ्लक्स ज्ञात करना इजी हो जाता है। ये दो विशेषताएं जो पृष्ठ रखेगा हम उसे ही गाउसिय पृष्ठ के रूप में चुनेंगे। तो इस पृष्ठ के अंदर ये दोनों विशेषताएं है, कैसे है समझते हैं। आप देखेंगे कि ये जो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है यह इस पट्टिका से समान दूरी पर है, तो इसके प्रत्येक भाग पर तीव्रता भी समान होनी चाहिए और तीव्रता की दिशा हम लोग परत के अंदर ऑलरेडी ज्ञात करके आए हैं, वो परत के लंबवत होती है तो फिर पट्टिका के भी लंबवत होगी। तो ये दिशा तीव्रता की होगी और क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर होगी, तो इन दोनों में कोण हो गया 0 डिग्री, अर्थात ये बड़ी शर्त पूरी हो रही है, समांतर है ये और तीव्रता समान भी है क्योंकि पट्टिका से दूरी क्या है इस फलक की समान है। ये जो फलक वक्र भाग आपको दिख रहा है बेलन का, इस पर लिए गए क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर की ओर है और तीव्रता की दिशा बाहर की ओर है ही, तो इन दोनों इसमें तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश में कोण हो गया 90 डिग्री, तो ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है। और इधर आप देखेंगे कि तीव्रता शून्य है, तीव्रता शून्य है तो फ्लक्स शून्य हो जाएगा। तीव्रता शून्य है कैसे? जब अपने पट्टिका को आवेश देते हैं तो दोनों तरफ आवेश चला जाता है, तो उसके बीच में कोई आवेश नहीं होता, पट्टिका के अंदर कोई आवेश नहीं होता है और जहां आवेश नहीं है पट्टिका के अंदर तो वहां तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। कैसे हो पाती है शून्य? ये वाला जो आवेश है और ये वाला आवेश है, इसके कारण यदि तीव्रता इधर की ओर है तो इस आवेश के कारण तीव्रता इधर की ओर है, क्योंकि पट्टिका के दो परतें हैं, तो इस आवेश के कारण तीव्रता इधर की ओर होगी, तो इस आवेश के कारण तीव्रता इधर की ओर होगी, तो पट्टिका के अंदर तीव्रताएं एक दूसरे के विपरीत होने के चलते कैंसिल हो जाती है, अर्थात परिणामी तीव्रता जो बचती है वो हो जाती है शून्य। तो यहाँ इस पट्टिका के अंदर कोई तीव्रता नहीं होगी और ये वाला आवेश जो है वो इस गाउसिय पृष्ठ के अंदर है। तो हम लोग लिखते हैं गाउसिय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना हो जाएगा, सिग्मा क्यू का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस, क्योंकि एस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है तो यह एस है वैल्यू, तो यहां भी वैल्यू एस ही होगी, तो इतने भाग का जो आवेश है वही तो गाउसिय पृष्ठ के अंदर है, तो फिर यह गाउसिय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश हो जाएगा। अब गाउस के नियम से फ्लक्स निकालते हैं। गाउस के
नियम का प्रयोग करते हैं और गाउसिय पृष्ठ से परिबद्ध या गाउसिय पृष्ठ से संबंध फ्लक्स निकालते हैं। तो E वेक्टर डॉट ds इक्वल्स टू जो सिग्मा q है उसकी वैल्यू सिग्मा s अपॉन एप्साइलन नॉट बन गई। समीकरण एक दे देते हैं इसको। अब यह है गाउसिय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स और गाउसिय पृष्ठ तीन भागों से निर्मित है और तीनों भागों से निर्गत फ्लक्स निकाल लीजिए, उसका बीजगणितीय योग कर दीजिए और गाउसिय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स आ जाएगा। तो करते हैं, तो आगे गाउसिय पृष्ठ जो है वो बेलनाकार पृष्ठ है और ये बेलनाकार पृष्ठ तीन भागों से निर्मित है। इसका एक तो भाग हो गया बाईं ओर का, बाईं ओर जो भाग है इसका बाईं ओर वर्तीय भाग है जिसको अपने S1 कह रखा है, ये रहा S1 और ये बाईं ओर का हो गया। और एक है दाईं ओर वर्तीय भाग जिसे हमने S2 लिख रखा है, ये रहा दाईं ओर का वर्तीय भाग। और एक है वक्र पृष्ठ, ये जो है ये वक्र पृष्ठ हो गया बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ जिसको हमने S3 लिख रखा है। तो इन तीनों से जो फ्लक्स निर्गत होगा वही तो गाउसिय पृष्ठ से फ्लक्स निर्गत होगा अर्थात गाउसिय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स होगा। तो हम लोग गाउसिय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकाल रहे थे, गाउसिय पृष्ठ से संबंध फ्लक्स फाई इक्वल्स टू हो जाएगा S1 से निर्गत फ्लक्स, S2 से निर्गत फ्लक्स और S3 से निर्गत फ्लक्स। S1 के लिए देखेंगे आप तो वहां तीव्रता जीरो है क्योंकि S1 इस पट्टिका के अंदर है, जैसे ये बेलनाकार भाग हो गया गाउसिय पृष्ठ है ये बेलनाकार वाला और ये होगी पट्टिका, तो ये जो S1 है वो इसके अंदर आ जाएगा यहां, तो यहां तो तीव्रता ही नहीं है तो यहां तीव्रता क्या है जीरो है। तो इसके बाद में S2, S2 के अंदर E व ds में जो कोण है थीटा वो जीरो डिग्री है क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में है यहां पर। और रहती है बात इसकी S3 की, तो S3 में E और ds में जो कोण है वो है 90 डिग्री का। आप देख सकते हैं जितर से E की डायरेक्शन इधर की ओर है पट्टिका के लंबवत और जो यहां क्षेत्रफल अल्पांश लिया गया उसकी दिशा ऊपर की ओर है, तो इन दोनों में कोण हो गया 90 डिग्री का। तो हम लिखेंगे फाई इक्वल्स टू E जीरो होने का मतलब ये फ्लक्स जीरो हो गया और यहां पर आ जाएगा E ds cos जीरो डिग्री, डॉट खोल दिया तो cos आ गया और थीटा इनके बीच में जीरो है ही और यहां थीटा 90 डिग्री और cos 90 का वैल्यू जीरो होता है, तो यहां बढ़ जाएगा ये S2 है S3 का है तो E ds cos 90 डिग्री, ये जीरो है तो ये पूरा स्टेप जीरो होने वाला है, तो एक स्टेप बचेगा हमारे पास। तो फाई बराबर बनेगा E cos 0 1 हो गया ds, ds का समाकलन हो गया s, ये समीकरण नंबर बन गया है दो क्योंकि इसका क्षेत्रफल s है हमने माना है ऊपर। समीकरण एक आपको याद होगा, समीकरण एक से
समीकरण एक कौन सा है? फाई इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू समीकरण एक व दो से, तो फाई की वैल्यू एक तो ई एस है और एक है सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से बनेगा ई का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई वेक्टर सदिश रूप में लिखा जाए तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। जो एन कैप है वो पट्टिका के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, क्योंकि दिशा इधर की ओर ही है तीव्रता की। अब आप इस सूत्र से देख सकते हैं कि जो तीव्रता है वो पट्टिका से बिंदु पी की दूरी पर डिपेंड नहीं करती, बिंदु पी की दूरी पर डिपेंड नहीं करती। दूरी कम है चाहे ज्यादा है, तीव्रता एक निश्चित है। अर्थात यदि हमें तीव्रता और इस दूरी के मध्य, पट्टिका से दूरी के मध्य ग्राफ खींचना है तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, E कॉन्स्टेंट रहेगा। और यदि हमें E और सिग्मा में ग्राफ खींचना है तो यह समानुपाती होगा इसके पास, क्योंकि आप देख सकते हैं सिग्मा कम होगा तो तीव्रता कम होगी, सिग्मा ज्यादा होगा तो तीव्रता भी ज्यादा होगी।